तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुबा इना लहरे नहरे पहुँचे आकाश लो और ठोर न कोई मोमीना और ठोर न कोई मोमीना आशिक न लेवे दानाई। अच्छा तीर्थ धाम धनी महामती जी के धाम मेले में विराजमान होकर अपने मुख से अपनी शोभा का वर्णन करवा रहे हैं, लेकिन लीला रूप में कहा जा रहा है महामती जी के द्वारा। प्रसंग है आसिक न लेवे दानाई पर ए दानाई हक। वर्णन करना है एक एक अंग का। चरण कमलों का वर्णन हो रहा है, लेकिन चरणों के नख से इतनी तेज की लहरें आकाश में उड़ रही हैं कि लग रहा है कि चरणों से निकलने वाले नूर की लहरों ने एक नहर का रूप धारण कर लिया। जब एक नख के सौंदर्य का वर्णन नहीं हो पा रहा है और नख भी ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों सूर्यों ने अपने तेज को यदि फैला दिया हो इस दुनिया के, तो ये करोड़ों सूरज भी एक राज्य के नख के नूर के सामने फीके लग रहे हैं। जैसे सूर्य के सामने एक जुगनू का प्रकाश होता है, वैसे राज्य के नख के एक नूर के सामने काल माया के करोड़ों सूरज निस्तेज हो जा रहे हैं। ऐसे में वर्णन करना है कौन कैसे दिख रहे हैं। सागर ग्रंथ का नाम ही है जिसमें डूबने के बाद कोई यह न बता सके कि सागर की गहराई कितनी है, लेकिन इसमें बताना है अनहोनी को होनी करना है। जो आज तक संभव नहीं हो पाया उसको संभव करके दिखाना है। राज जी कहते हैं कि मैं अपनी अर्धांगिनी परमधाम की आत्माओं के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं लड़खड़ा रहा हूँ, मेरी जीवन लड़खड़ा रही है, मेरी भाषा आवेश स्वरूप भी कहने में झिझक महसूस कर रहा है, तो नूर अकल इत क्या करे जित लदुनी को दिखा। तो अक्षय प्रेम की जागृत बुद्धि कैसे वर्णन कर सकती है कि राज्य के नख से सिख तक का श्रृंगार क्या है। असराफिल ने संसार में सभी अनसुलझे रहस्यों को खोला, धर्म ग्रंथों के ज्ञान को। इसके पहले जबराइल के द्वारा संसार में अखंड ज्ञान का प्रकाश आता रहा, अन्यथा ना तो आए बुद्ध के सागर गुंड खटज्ञानी। छह शास्त्रों की विवेचना करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए जिनको बुद्धि के सागर कहला जाता रहा है, लेकिन बुद्धि का सागर कहलाने वाले ये मनीषी जन भी परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन नहीं कर सके। आज महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी ने अपने आवेश स्वरूप से अपने एक एक अंग की शोभा का वर्णन किया है। आसिक की परिभाषा में यह कहा जाता है, एक अंग जाए छोड़ और लगे सो नहीं आसिक को काम। पहली बात तो यह है कि आसिक के रोम रोम में बसा होता है उसका मासूक, उसका प्रीतम। महामती जी इंद्रावती जी की आत्मा राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देख रही है। उनके रोम रोम में उनके प्रीतम बसते हैं, उनकी आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख रही है। राज्य का आवेश विराजमान होकर शब्द कहलवा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है यदि गालों की शोभा में देखा जाए तो गालों के अनंत सौंदर्य में मन डूब जाएगा, जिसे बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है। गालों की शोभा से हटकर राज्य के होठों की शोभा को देखा जाए तो उसको छोड़कर कुछ और देखने की इच्छा नहीं करती है। यदि नजर नासिका पर पड़ गई, आंखों पर पड़ गई, तो आंखों से तो पूरा प्रेम ही झलकता है। कालमय के ब्रह्मांड में ये बात सबके दिल में बैठी होती है। भर्तृहरि ने कहा है कि हाथियों के मस्तक को तलवारों से काटने वाला बहादुर नहीं होता है, बहादुर तो वह होता है जिसने अपनी युवावस्था में रमणी के नेत्रों के बाणों से अपनी रक्षा कर ली होती है। यह सबसे बड़ी वीरता का कार्य वही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी अंग का सौंदर्य आपको बंधन में नहीं डाल सकता, लेकिन आंखों का सौंदर्य, आंखों से निकलती हुई प्रेम की दृष्टि
सबको अपने बंधन में बांध लेती है। राजी के भी आंखों से जो प्रेम का रस निकलता है उसको तीर त्रिगुणा कहा गया है। और श्रृंगार की वाणी में तो स्पष्ट लिखा है, यह तीर ऐसा है जो आत्माओं के हृदय को इतना इस तरह से छेद देता है कि उसे निकल पाना किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं। आपके लिए भी प्रश्न खड़ा होता है कि राज्य का दीदार करना है तो राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। राज्य के नेत्रों में आपके लिए क्या पाए? अनंत प्रेम का सागर जो उनके हृदय में उमड़ रहा है, आपकी आत्मा को प्राप्त होना है। ऐसे नेत्रों की तरफ देखते हुए नेत्रों से नजर हटा लेना कितनी नादानी है, क्योंकि नेत्रों की तरफ देखकर ही राज्य के प्रेम भरे हृदय में डूबने का दरवाजा पाया जाता है। परमधाम में केवल नेत्रों की ही बात नहीं है, परमधाम में राज्य का हर अंग नेत्र के समान है। कालमाया के ब्रह्मांड में नेत्र की शोभा में और चरण कमल की शोभा में अंतर है। चाहे चरण को देखिए, हस्त कमल को देखिए, हृदय कमल को देखिए, शीश कमल को देखिए, हथेलियों को देखिए, कहीं भी आप डूब जाएंगे तो आपके लिए मार्फत में डूबने का दरवाजा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कहा जाए कि नेत्रों की तरफ देखते देखते आप फिर शीश कमल की तरफ चले जाइए, चरण कमल की तरफ चले जाइए, प्रश्न ये आता है कि कैसा वो कठोर हृदय होगा जो एक अंग की शोभा को देखकर दूसरी तरफ देखने के लिए प्रयास कर रहा है। इसका मतलब उसने डूबना नहीं सीखा है। आशिक तो वह होता है जो स्वयं को डूब जाए, स्वयं को अपने अंदर डूबो दे। जैसे आपके सामने जिसको कामदेव और रति कहते हैं, विश्व के सबसे सुंदर माने जाते हैं, या कोई भी सुंदर रूप आपके सामने आ जाए तो आप भी एकटक देखने लगते हैं। आप भूल जाते हैं अपनी बुद्धि को, भूल जाते हैं अपने विवेक को। ऐसा लगता है कि ये आंखें पल पल देखती रहे। तो वह तो राज्य का आनंद सौंदर्य है, लेकिन एक एक अंग का वर्णन भी हो रहा है। कभी हाथों का वर्णन, कभी बाजुओं का वर्णन, बाजुओं में आए बाजूबंधों का वर्णन, कितने नग जड़े हैं ये भी वर्णित हो रहा है। एक एक उंगली में कितनी अंगूठियाँ आई हैं, एक एक अंगूठी में कितने नग जड़े हैं, उनसे निकलने वाली किरणें कैसी लग रही हैं ये भी वर्णन हो रहा है। कानों में जो आभूषण पहने हैं, नासिका में जो बेसर है या मुरली है जिसको बुलाक कहते हैं, उसमें कौन सा नग जड़ा है इसका भी वर्णन करना है। फिर उधर से नजर हटाकर कहीं और भी देखना है। करते जा रहे हैं सब राज्य। महामती जी के तन को तो मात्र एक शोभा दी जा रही है। आपके सामने प्रश्न खड़ा है कि यह काम कौन कर सकेगा? हाँ, क्या चतुर व्यक्ति कर सकता है? जिसमें चतुराई आएगी वो प्रेम की राह पर कैसे चलेगा? सियाने दीवाने ये सब संग क्यों कर हो गए? वाणी में स्पष्ट कहा है, दर्दी दर्दा जाने, जाने जाने ज्ञान, राह दो जुदे पड़ी मिले न का सूता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान और प्रेम, लेकिन इनकी राह पर चलने वाला एक दूसरे से 36 का आंकड़ा मांगता है। इल्म सियानप देता है, इश्क दीवानगी देता है, लेकिन इश्क के बिना इल्म नहीं रहेगा और इल्म के बिना इश्क नहीं रहेगा। दोनों को आप साथ लेंगे तभी आपका आपकी आत्मा का पक्षी सही तरीके से परमधाम की उड़ान भर सकता है, अन्यथा नहीं। आशिक न लेवे दानाई, पर ये दानाई है। अपनी बुद्धि के बल से ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान इस सृष्टि में नहीं हुआ है जो सौंदर्य के सागर में डूबने के बाद उससे निकल सके। लेकिन परमधाम की आत्माओं के सुख के लिए उस ज्ञान को बांटना भी है। इसलिए मूल स्वरूप की प्रेरणा से इंद्रावती जी की आत्मा राज्य के एक एक अंग की शोभा में डूब रही है और एक एक अंग की शोभा का वर्णन भी कर रही है, अन्यथा संभव नहीं है। इस संसार में आज तक न कोई हुआ है न कोई हो सकेगा जो सौंदर्य के एक एक अंग का वर्णन कर सके, उसमें डूबे भी और बाहर भी निकल जाए। आशिक न लेवे दानाई, पर ए दानाई हक। अब आशिक कौन है यहाँ? महामती जी की आत्मा। महामती जी अपनी बुद्धि बल से करती तो संभव नहीं था। परमधाम के 25 पक्षों के वर्णन में जिन जिन परमहंसों ने अपनी कलम उठाई है, मंगलाचरण में उन्होंने पहले ही कह दिया है,
चाहे परमहंस महाराज जी, युगलदास जी हों, जवाहरदास जी हों या श्री लालदास जी, सबने कह दिया है बिना युगल स्वरूप की कृपा दृष्टि के हमसे परम धाम के एक कर्ण का भी वर्णन हो पाना संभव नहीं है। जिसने समर्पण की भाषा सीख ली उसने अपनी आत्मा का तार राज्य के हृदय से जोड़ दिया होता है। इसलिए राज्य के हृदय में जो इल्म का अनंत सागर है उस सागर की लहरें हमारी आत्मा में आती रहती हैं और संसार यह जानता है कि यह अमुक सुंदर साथ तो बहुत जानी है। लेकिन यदि आपने अपनी आत्मा का तार राज्य के दिल से नहीं जोड़ा और अपनी इस लौकिक बुद्धि के बल पर आप यह सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो असफलता को हम न्योता दे रहे हैं, क्योंकि मैं कहाँ खड़ा होता है जीव भाव के द्वारा परम धाम में। एक युगल स्वरूप राज्य के सिवा तो कोई है नहीं। आपने एक दो दिन की पहले की चर्चा में सुना है कि दूजे तो हम हैं नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का, हम दूसरे नहीं हैं, ना अर्श जिमी ये दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिखा वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन काम। परम धाम में राज्य के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, जो परात्म कितन है वे भी उन्हीं कितन है। ऐसी स्थिति में यदि परात्म कितन से कुछ होता है तो यह कौन करेगा? राज्य आपके जीव के शरीर से होता है, यह जिम्मेदारी राज्य की नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा यदि जीव भाव को प्राप्त है और जीव यह सोचता है कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है और किसी के अंदर इतना ज्ञान नहीं है, तो इससे तो हमारा अहम का महल खड़ा होता जा रहा है। और यदि अहम का महल खड़ा होगा तो राज्य के प्रेम से हम वंचित हो जाएंगे, जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आत्मा और धनी के बीच में स्वलीला अद्वैत के सुख में जीव का अहम एक दीवार का कार्य करेगा। यदि आपने अपनी आत्मा का तार राज्य से जोड़ दिया तो मैंने पहले ही कहा राज्य के हृदय में उमड़ने वाला इल्म का सागर आपके हृदय में उमड़ने लगेगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। यह जो वाणी में कहा है दर्दी दर्दा जानही राह देवे राह दो जुदे पड़ी आदि जो भी बातें कही जाती है यह संसारिक ज्ञानियों के लिए कही जाती है। संसारिक जो विद्वत जन हैं जिनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं है, या हमारे सुंदर साथ में भी यदि तारतम ज्ञान तो ग्रहण किया है, प्रेम रस की धारा नहीं है। याद रखिए वैराग्य का अर्थ क्या होता है? राग से रहित हो जाना। ध्यान किसको कहते हैं? रागोपहत ध्यानम, राग से रहित हो जाना ध्यान है। संसार में जो कुछ दिख रहा है, मान अपमान सुख दुख लाभ हान जय पराजय, इन सारे बंधनों को तोड़ लेना कि नहीं मेरी आत्मा का स्वरूप इससे अलग है। सभी राग के बंधनों से हम परे हो गए और परम चैतन्य परम सत्य को जानने लगे, इसको कहते हैं ध्यान। हमने यदि अपने मन में धारणा बना ली, चाहे आप अपने मुख के शब्दों से कितना भी व्यक्त करें, विनम्रता दर्शाएं, लेकिन राज्य की कृपा को नकार कर यह कहना, चाहे आप अपने ध्यान की महिमा को बताएं कि मेरा मन अब संसार में नहीं जाता है, मैं राज्य के चरणों में लग गया हूँ, मेरे दिल में केवल राज्य के लिए प्रेम है, समर्पण है, मुझे राज्य के ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए और मेरे जैसे ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो आप अहं के ग्रंथ को बढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? जो मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। आपने अपना दिल राज्य को दिया तो राज्य ने भी अपना दिल दे देना है, तो राज्य के दिल में जो शाश्वत ज्ञान का प्रवाह रहा है उस ज्ञान के अधिकारी आप हो जाएंगे। इसलिए परमहंसों के पास जो ज्ञान का रस होता है वह ज्ञान का रस विद्वानों के पास नहीं आ पाता। यही कारण है, क्योंकि परमहंस अपने को मिट्टी में मिला दिया होता है, उस बीज के समान जो मिट्टी में मिलने के बाद अपने अस्तित्व को मिटा दिया होता है, एक अंकुर फूटता है और उस बीज जैसे न जाने कितने बीज तैयार हो जाते हैं। एक विद्वान जब किसी चीज को याद कर लेता है, चाहे वेद शास्त्र का कोई अंश है, चाहे अंग्रेजी का विषय है या वाणी वितक का विषय है, उसके मन में धारणा रहती है कि केवल मैं जानता हूँ,
आप क्या जानते हैं इस बात को भी भुला दीजिए, आपकी अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता को भी भुला दीजिए, क्योंकि आप कौन है? आशिक। जब आप राज्य के सच्चे प्रेमी बन गए, अपने जीव भाव को अलग कर दिए, आप अपने को सबसे श्रेष्ठ मानना बंद कर दिए, ऐसी भावना में लग गए कि जितने सुंदर साथ हैं सभी के अंदर राज्य की नजर है, राज्य का प्रेम सब पर है, मैं भी उनमें एक हूँ, तो छोटे बड़े की भावना से आप रहित हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? आपके पास सबसे ऊंचा ज्ञान हो जाएगा। सुंदर साथ आपको शोभा देंगे कि आप जैसा वाणी का ज्ञान किसी के पास नहीं है, लेकिन यदि आपने अपने मुख से कह दिया, यदि कहा भी नहीं, अपने मन में आपकी धारणा भी है, तो राज्य के अखंड ज्ञान के स्रोत से कहीं ना कहीं आप वंचित होने जा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। माली क्या करता है? माली जो पौधा लगाता है उस पौधे के आसपास कोई खरपतवार नहीं उगने देता, जैसे ही कोई खरपतवार उगा मिट्टी को खोद कर उसको फेंक देता है। उसी तरह से आप परम धाम की परमात्मा है, यदि आप राज्य से प्रेम करते हैं तो राज्य आपके अंदर किसी भी प्रकार से अहम की ग्रंथि पैदा नहीं होने देंगे। चाहे एक ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, या हुक्म का क्षेत्र हो, या संसार में किसी भी तरह का क्षेत्र हो, यदि आप राज्य से कुछ भी प्रेम करते हैं तो राज्य आपके अंदर अहम पैदा होने ही देंगे। यही बात कही जा रही है, आसिक न लेवे दानाई पर ए दानाई है। प्रश्न यह होता है, यदि नमक का ढेला समुद्र में डूबने के बाद नमक की गहराई को नहीं नाप सकता, तो वहदत के तन जो आत्मा है वो राज्य के वहदत के सागर में डूबकर वहदत की मारिफत को कैसे बता सकती है? जो आत्मा राज्य के एक अंग की शोभा को देखकर उससे अलग हटने में ऐसा लगता है कि इस माया का तन भी छूट जाएगा, वह एक एक अंग की शोभा का वर्णन क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? ये कौन करवा रहा है? स्वयं श्री राज्य। इसलिए ये बात यहाँ दर्शाई जा रही है कि आसिक ने लाई वे दानाई पर ये दानाई है, यह जो चतुराई है ये स्वयं श्री राज्य ने दी होती है, इसलिए उसको चतुराई शब्द से नहीं कहा जा सकता। हाँ, दुनिया की भाषा में कहेंगे, ये कहा जाएगा कि देखिए कितनी चतुरता है। आप रास के वर्णन में भी देखेंगे कि इंद्रावती जी की आत्मा रास की रामते भी करती है और अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को रिझाती थी। उसी तरह से इंद्रावती जी की आत्मा सागर ग्रंथ में नख से सिख तक क्या होठ है, क्या नासिका है, क्या नासिका के चित्र है, क्या आंख है, क्या पुतली है, पुतलियों के तारे हैं, किस तरह से वर्णन कर पाएगा? ये तो निष्ठुर हृदय ही कर सकता है, यह ऐसा है ऐसा है। यदि ये पतंगा यह बता नहीं सकता कि दीपक जलने के बाद क्या होता है, उसके अंधेरे के से उसको अलग होने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है, तो परम धाम की आत्मा राज्य के नख के नख से सिख तक का वर्णन करे और उसका शरीर रह जाए, ये कैसे संभव है? लेकिन सब कुछ हो रहा है और शरीर भी नहीं छूट रहा है, इसलिए क्योंकि राज्य ने अपनी दानाई, अपनी चतुराई डाल दी है। किस लिए? क्योंकि जब तक यह प्रवेश नहीं करेगी तब तक तो ये आसिक का भाव केवल प्रेमी का प्रेमास्पद के प्रेम में, सौंदर्य में, आनंद में डूब जाना उसको संसार से अलग कर देता है। इश्क आपे पीवही। श्रृंगार के वर्णन करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रेम रस का पान करना। यदि आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से आप किसी को परम धाम की राह दिखाते हैं तो आपके हृदय को संतोष मिलता है, चलो हमने कुछ किसी को परम धाम की बात बताकर कुछ राज्य के आदेश का पालन किया है। लेकिन जिसने प्रत्यक्ष देखा है, वाणी तो कहती है कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इत के खिन समान। यदि एक पल के लिए भी राज्य का दीदार हो जाए, राज्य के मुस्कुराते हुए मुख की तरफ आपकी पल भर के लिए नजर चली जाए, तो यदि आपको उससे अलग किया जाएगा तो जीव चीखेगा कि शरीर को छोड़ दे। बीतक में प्रसंग आता है, भाव सिंह के साथ यही हुआ।
भाव सिंह को केवल योग माया के ब्रह्मांड की झलक दिखाई थी और भाव सिंह के अंदर अक्षर की सुरता है। अक्षर की सुरता वहां महाराज के दृश्य को देखकर इतनी पागल हो गई कि वह नजर वहां से हटाना नहीं चाह रही है। सत्सर्प से उसकी नजर नहीं हट रही है। योग माया के ब्रह्मांड से जैसे ही नजर हटी, जीव ने तड़प करके शरीर छोड़ दिया। जैसे आपके पास हीरों की एक बहुत बड़ी थैली है जिसमें 100 हीरे भरे पड़े हैं, आप थैली को एक छोटे से पर्स में आप लेकर जा रहे हैं, कदाचित एक बदमाश आए आपके हाथ से पर्स छीन कर भागने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे ना, चाहे किसी भी तरह हो मुझे ये अपना पर्स वापस लेना है। आप रास्ते में ये नहीं देखेंगे कुआं है क्या है, अपनी सारी ताकत लगा देंगे कि हम मैं अपना पर्स वापस ले लूँ, चाहे हो सकता है अपने जान को भी जोखिम में क्यों न डालना पड़े। लेकिन ये तो माया के कच्चे हीरे हैं, कोयले से बने हुए हीरों के लिए यदि आपका जीव माया का तन छोड़ सकता है, यदि आपकी नज़र राज्य की शोभा श्रृंगार को देखने लगी हो और वहाँ से उसको हटाया जाए तो कितनी पीड़ा होगी। बस ये कहने का से जैसे जलेबी बनाने वाला जलेबी की स्वाद और सुगंध से मोहित नहीं होता क्योंकि उसका प्रतिदिन का काम है, उसी तरह से परमधाम की आत्माओं को राज्य अपनी कृपा से इतनी शक्ति दे देते हैं कि उस तन से दीदार भी हो रहा है और उस तन से वर्णन भी हो रहा है, क्योंकि वह सुख केवल इंद्रावती तक सीमित नहीं रखना है, वह सुख सारी ब्रह्मात्माओं के लिए है, ईश्वरी सृष्टि के लिए है और तो और पात्रता लाकर जीव सृष्टि को भी प्रदान करने के लिए है। इसलिए आज दिन तक अक्षरातीत ने कभी अपनी शोभा का वर्णन करना तो दो, अपने ही अंग अपने ही तन अक्षर ब्रह्म को भी नहीं दिखलाया था, स्वयं राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार कभी अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा, श्यामा जी के नख से सिख तक की शोभा को नहीं देखा, राज्य का आधा मुखारविंद देखा और वो अक्षर ब्रह्म एक नजर मात्र में पल भर में करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं। आपका जीव तो उस ब्रह्मांड के भी एक छोटे से अंश में पृथ्वी लोक में रहता है। इस पृथ्वी लोक में आपसे न जाने कितने करोड़ों लोग धनवान हैं, सुंदर हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, और आपका जीव कैसे ये साहस कर सकता है कि राज्य के एक एक अंग की शोभा को मैं वर्णित करूँ। मूल निस्बत के कारण राज्य ने आपको अपने श्रृंगार का ज्ञान दिया, आपकी आत्मा उस सौंदर्य के सागर में डूब सके। इश्क आपे पी वही और पिलावे बेशक और सबको इश्क का रस भी पिलाना है। प्रेम प्याला में भर भर पीऊं त्रैलोकी झाक चकाऊं, चौदह भवन में करूं उजाला छोड़ ब्रह्मांड पी बस जाऊं। प्रेम का रस कब पाएंगे आप? जब एक एक अंक की सुबह में आप डूबना प्रारंभ करेंगे संपूर्ण चतुराई को छोड़कर। चर्चनी के लिए बुद्धि चाहिए और चितवनी के लिए दीवानगी चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए चितवनी में। चर्चनी में तो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा यह है। चितवनी करने के लिए वो प्राथमिक अवस्था है कि यदि आपको मालूम रहेगा कि वैराट क्या है, मूल मिलावा कैसा है, मूल मिलावे की शोभा कैसी है, तो आपकी सुरता उसमें भ्रमण करेगी, यह सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप उसी को सब कुछ मानेंगे तो क्या होगा? चितवनी में जब आप बैठते हैं तो अपनी बुद्धि पर ताला लगा दीजिए, अपने सारे ज्ञान की पिटारी को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जब तक आप चितवनी में बैठते हैं केवल एक चीज, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी और आप मेरे प्राणेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर का मतलब मेरे नख से सिख तक के स्वरूप के आप ही सर्वस्व हैं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जब यह स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं वास्तविक वैराग्य। हमें अपने हृदय को प्रेम से लबालब भरना होगा। हृदय की शुष्कता हमारे लिए चितवनी में बाधक बन जाती है। अपने हृदय में कभी शुष्कता न आने दीजिए, हर पल यह एहसास कीजिए कि राज्य पल पल हमारी आत्मा के धाम हृदय में विचरण कर रहे हैं। हमारी आत्मा के धाम हृदय में पुखराज बसता है, मानिक पहाड़ बसता है, बड़ी रंग की हवेलियां बसती हैं, पश्चिम की चौगान बसती है, कुंज निकुंज, बड़ोबन मधुबन, सारे वृक्ष
सारे वन, सातों घाट, सब कुछ हमारी हृदय मंदिर में। जब इस व्यापक भावना के साथ आप अपना चिंतन मनन प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपसे परम धाम कभी भी दूर नहीं था, न है और न कभी होगा। इन्हीं भाव में होते हुए आपके अंदर ज्ञान का स्रोत भी बह रहा होगा। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, अब मैं गली दयामिनी सागर स्वरूपी की, प्रीतम परब्रह्म की दया कैसी है सागर के समान। मेरे अंदर धामधनी ने निज बुद्धि दे दी है, आवेश स्वरूप से बैठे हैं। श्यामा जी की आत्मा मेरे अंदर से जागृत बुद्धि है, जोश है, अक्षर की आत्मा बैठी है। दया सागर जोश का किन रहे न पकड़ियो पे। अब मेरे तन से जो वाणी का प्रवाह आ रहा है उसके प्रवाह को कोई रोकने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी मानवीय बुद्धि से तारतम वाणी की रचना नहीं कर सकता। आप देखेंगे मुकुंददास जी को धामधनी ने तारतम वाणी के रहस्य को उजागर करने की शोभा दी थी। इसलिए अभी तक में प्रसंग आता है, मुकुंददास जी को तारतम यानी मुकुंददास जी तारतम वाणी के रहस्यों को खोलेंगे, लेकिन उनके तन से एक बृहद ग्रंथ नवरंग वाणी का, जिसके कई भाग हैं, तैयार होता है। उसकी रचना देखिए और राज्य के आवेशित शब्दों की रचना देखिए, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा। मानवीय बुद्धि की रचना से भजन बनाए जाते हैं, वाणी आवेशित वाणी है। जब आप ब्रह्मवाणी का गायन करेंगे पहले तो कठिन कार्य लगेगा, तो जो ब्रह्मवाणी में रस आएगा वो मानवीय बुद्धि के बने हुए भजनों में नहीं आ सकता। हाँ, जो व्यक्तित्व तो जितने ही गहनता में डूब जाएगा यदि वह भजन भी बनाएगा तो उसमें रस की एक विलक्षण ही अनुभूति होगी। जैसे आप महामती के शोभा को धारण करने वाले लालदास जी की शब्दावली देखिए, वैसे महामती की शोभा केवल मिहराज के तन को प्राप्त होती है। लालदास जी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है श्री जी के चरणों में, इसलिए वह कुछ भी लिखते हैं तो यह पहले कह देते हैं कि राज जी मैं नहीं कर रहा हूँ, अब यह लालदास की कलम नहीं है, यह आपकी कलम है। कहीं कहीं बीतक में थोड़ा बहुत प्रकाश डाल दिया, अब लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, नहीं तो हर जगह कहने वाला कौन है महामत के। आप बड़ी प्रीत को पढ़िए जो श्री लालदास जी के कर कमलों से लिखी गई है, उसमें भी महामती जी की छाप है। आपको पढ़ने पर लगेगा कि हम ब्रह्मवाणी के गुह रहस्यों को इस बड़ी प्रीत में अंकित होता हुआ देख रहे हैं। नवरंग वाणी में भी काव्य में चौपाइयाँ हैं, छंद में, पद में, स्वरों में गेय हैं, अच्छी तरह से रचनाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का जो जो स्तर जितना होता जाता है शब्दों का आनंद भी वैसे ही बढ़ता जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मैं नाम लेकर क्यों कहूँ, मैंने आपको संकेत कर दिया कि दोनों ही परम धाम की आत्मा है। लालदास जी के अंदर अस्वय की आत्मा है और नवरंग स्वामी के अंदर नवरंग बाई की आत्मा है। मुकुंददास जी के अंदर दोनों की अपनी विशिष्ट भूमिका है जागनी लीला में, लेकिन जब आप शब्दों में उनके कथनों में डूबते हैं तो लगता है कि किस आत्मा ने धामधनी के सागर में कितनी डुबकी लगाई है, किसने स्वयं को कितना निछावर किया है, या वाणी से पता चल जाता है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, आसिक न लेवे दानाई पर ए दानाई हक, इश्क आपे पीवही और पिलावे बेशक। वह आत्मा जितना ही रस पिएगी प्रेम का और दूसरों को पिलाती है, सबसे बड़ी शर्त में परसों से कह रहा हूँ, अपना हृदय राजी को सौंप दीजिए, तर्क वितर्क सारे बंद कर दीजिए, आपने क्या उपलब्धि की है इसका अहम भी समाप्त कर दीजिए, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, विनम्रता का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, सारे अहम का कचूमर निकाल दीजिए। कचूमर निकालना समझते हैं ना, कोई भी ग्रंथि न रह जाए कि मैंने ये किया। आप यह सोचिए धनी की प्रेरणा से मैंने ये किया, तब तो चल जाएगा। मैंने अपने बल से ज्ञान अर्जन किया, मैंने अपने बल से चितवनी की, मैंने अपने बल से सेवा की, तो यह प्रश्न खड़ा होता है, हमारे पवित्र प्रेम की चादर पर दाग लग जाती है और यह दाग ऐसा है जो परम धाम तक हमारा पीछा करता रहेगा। इसलिए सार्वभौम महिमा किसकी है, अक्षरातीत की। सबके आराध्य कौन है, अक्षरातीत। वाणी किसकी है,
उनका, हमारे अंदर निहित ज्ञान किसका है? उसका। इसलिए हम सारी शोभा उस युगल स्वरूप को दें, महिमा गाएं प्राणनाथ की। हमारे तन से कुछ भी होता है तो हम केवल धाम धनी की ओट लें कि उनके चरणों की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। इस तरह से यदि हम बनते जाएंगे तो हमारे पास जितनी आवश्यकता होगी ज्ञान की, वो ज्ञान की धारा बहेगी, फिर भी हम चतुर नहीं कहे जाएंगे। चतुराई का तात्पर्य, चतुराई का प्रकटन जीव की तरफ से जब होता है तो गुनाह बन जाता है। जब राज्य की तरफ से वही चतुराई दी जाती है तो मेहर कहलाने लगती है। मेहर का तात्पर्य, राज्य के हृदय में जो कुछ है वह हमारे हृदय में आने लगे तो वही मेहर का सागर है। राज्य के हृदय में अनंत ज्ञान है, वह अनंत ज्ञान हमारी आत्मा में आ जाए, एक बूंद ने कायम किए तो सुख होशी कैसा सागर हो। एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो सुख होशी सागरों कैसा बल। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि राज्य के दिन में तो इनमें के अनंत सागर हैं और अनंत सागरों में से केवल एक बूंद ने आकर मेरे धाम हृदय में सागर का रूप लिया और उस सागर की चौपाइयां आप पढ़ते हैं, एक एक चौपाई में आप डूब जाते हैं। यह जानकर सुंदर साथ तारतम वाणी का नाम क्या रखने लगते हैं? तारतम सागर। उनको नूर सागर करने में परेशानी होने लगती है क्योंकि भागवतवादी विचारधारा हमारे समाज में बहुत तेजी से पनप रही है। वो सोचते हैं कि नूर तो शब्द अरबी का है, यदि हम वाणी का नाम नूर सागर रख देंगे कोई प्रश्न कहे करके कह देगा तो हम उत्तर क्या देंगे। लेकिन ये बात सबको समझनी चाहिए कि तारतम सागर जयराम कंसारा के द्वारा लिखी हुई बीतक का नाम है, करुणावती सखी के द्वारा लिखी हुई बीतक का नाम तारतम सागर है। इसलिए श्रीमुख वाणी का नाम या तो श्रीमुख वाणी रहेगा या तारतम वाणी रहेगा, तारतम रस पानी कर पिलाइए जाको ये कहा, या कुलजम स्वरूप रहेगा। केवल तीन नाम वाणी में दिए गए हैं, श्रीमुख वाणी, तारतम वाणी, कुलजम स्वरूप। तारतम सागर कहीं ये नहीं लिखा है कि इसको तारतम सागर कहते हैं, हाँ ये तारतम सागर है। नूर सागर सूर मार्फत, नूर किसको कहते हैं? नूर नाम तारतम। इस आधार पर आप जोड़ तोड़ करके कह तो सकते हैं कि तारतम वाणी तारतम सागर है, लेकिन इसका नाम रखने का औचित्य कोई नहीं समझ में आता। मेरे कहने का आशय क्या है? इंद्रावती जी के आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत ने जो हमें इल्म का सागर दिया है उसकी एक एक चौपाई में भी हम घुसेंगे तो उसमें भी सागर नजर आएगा। एक बूंद में सागर है, सागर के अंदर अनंत अनंतता है। जैसे परम धाम कितना है? अनंत। और परम धाम अनंत है, किससे प्रकट हुआ है? राज्य के दिल से। और हर कण में क्या है? राज्य है। हर कण में जब राज्य है तो हर कण में परम धाम समाया है या नहीं? जब आप चर्चरी में प्रवेश करेंगे तो आपको विदित होगा कि परम धाम के एक एक फल में परम धाम के सभी फलों का रस आएगा। उस तरह से एक एक कण में संपूर्ण परम धाम की शोभा नजर आएगी। आप सोचेंगे कि कैसे संभव है? मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। आप देखते हैं ना, यदि आजकल मोबाइल चिप लीजिए या जो भी चिप आजकल की नई पीढ़ी आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में एक छोटी सी चिप में कई घंटों की पिक्चर रखी जा सकती है, तो आप सोचिए यदि असंख्य गैलेक्सियों का यदि चित्र आ जाए तो एक छोटी सी चिप में रखा जा सकता है या नहीं? एक चिप में इतनी सामर्थ्य है तो परम धाम के एक छोटे से कण में भी राजी श्यामा जी को और अनंत परम धाम को बसाए रखने की सामर्थ्य है। आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी इसी प्रकार अनंत परम धाम की शोभा को बसाए रखने की सामर्थ्य है। बस प्रेम के पुनीत मार्ग पर बढ़ते जाइए, कहीं भी अहं की ग्रंथि को उठने न दीजिए। पुनः देखिए आपका परमेश्वर आपके हृदय में कितना प्रेम उड़ेलता है। यदि आप निर्विकार हृदय से राज्य से प्रेम करते रहेंगे तो एक पल भी आप जो ध्यान किए हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने आंखें बंद की, राज्य सामने नहीं आ रहे हैं, सोचते हैं कि राज्य निष्ठुर हो गए हैं, अब हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने जो चितवनी की उसका कोई फल नहीं मिला। फल अवश्य मिलेगा,
फल की इच्छा से तो कुछ करिए भी नहीं, लेकिन एक चीज अवश्य चाहिए कि मेरा प्राणेश्वर मेरे हृदय सिंहासन पर बैठेगा ही और मेरी आत्मा उसको देखेगी, क्योंकि जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य यही बनाइए। जब ऐसा करते जाएंगे तो धुंध के बादल जो संशय के हैं हटते जाएंगे। आपको लगेगा कि यदि मैं चितवनी नहीं करूँगा तो मैं तो मेरा शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह आपकी सबसे बड़ी भूख बन जाएगी। अफीमची को अफीम खाए बिना तो जिंदा रह सकता है, लेकिन राज्य के प्रेम में जो डूब गया, जो उनके तीर त्रिगुणा तीन नोकों वाले प्रेम के बाण से विध गया, यदि उसको संसार के सारे ब्रह्मांड की संपदा दे दी जाए तो भी उसके लिए संभव नहीं है कि वह चितवनी को छोड़ सके। अब तक चितवनी के विषय को एक शुष्कता का जमा पहनाया जाता रहा है, चर्चनी को इतना जटिल बना दिया जाता रहा है कि सुंदर सती इससे भागता रहा है। अब हमें नई दिशा से, नए कदमों से इसकी तरफ हमें चलना होगा। चर्चनी और चितवनी को इतना सरल बना देना होगा कि 10 साल का बच्चा भी आंखें बंद करके अपने प्राणेश्वर को देखे। अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साध्वी मूल मिलावे में घूमे, राज्य के नक्श से सिख तक की शोभा में घूमे। जब ये काम होने लगेगा तो तब आप समझ लेना कि अब जागनी अंतिम चरण में पहुँच रही है। यही पहचान है कि हमारी आत्मा की जागनी का स्तर क्या है। ये चतुराई हक की कह रहे हैं कि साथी जी, ये मत सोचिए कि मैं बहुत चतुर हूँ और बहुत चतुराई से राज्य के एक एक अंग की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। चतुराई सौंदर्य के सामने सब समाप्त हो जाती है। बड़ा से बड़ा योगेश्वर हो, जिसने गुफाओं में ही जन्म लिया हो, गुफाओं में ही रहता हो, किसी सुंदर स्त्री को न देखा हो, वो भी सौंदर्य के सामने अपने को असहाय पाता है यदि उसमें तत्वज्ञान पैदा नहीं हुआ तो। और यह सौंदर्य तो अक्षरातीत का है, वर्णन करने वाली आत्मा है जिसका हृदय अक्षरातीत का मंदिर है। इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि आपको मेरे अंदर चतुराई की गंध आती है तो मैंने तो अपना सब कुछ उनको सौंप दिया है। यह चतुराई देने वाले भी स्वयं श्री राज जी है। और हक का इल्म, इल्म भी किसका है? उनका। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मेरे अंदर न बौद्धिक चतुराई है न मेरा ये ज्ञान है। मेरी बुद्धि लुगा ननिक से धनी जाहिर करे अखंड घर सुख, मैंने तो इस वाणी का एक अक्षर भी नहीं कहा है। कोई दोष न दे जो रे महराज ने, इसको कहने वाले कौन है? कोई महराज को दोष न दे, ये वचन महामति से प्रकट न हो, कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज जी। न ये इंद्रावती की वाणी है, न महामति की वाणी है, न महराज की वाणी है। महराज को आप संत कहिए तो भी क्षम्य हो सकता है, लेकिन महामति को संत कहते हैं, प्राणनाथ को संत कहते हैं, तो परिणाम क्या होगा? यदि आपने ब्रह्मवाणी की पहचान की है तो कहाँ ब्रह्मवाणी और कहाँ भागवत? भागवत क्या है? किस्सा कहानियों का एक पिटारा है, झूठी कहानियाँ जिसमें लिखी गई हैं। और यदि इस भागवत की उन झूठी कहानियों में स्वयं को फंसाना है कि कितने राजा हुए, किस राजा ने कितने विवाह किए, कितने उसके पुत्र हुए, कितने साल उसने राज किया, या झूठी कहानियाँ सुन सुना करके आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। जो ग्रंथ एक स्वलीला अद्वैत की पहचान नहीं कर सकता, उसको कहना कि भागवत तारतम है, कहीं न कहीं परम धाम की तरफ कदम बढ़ाते हुए सुंदर साथ के लिए एक प्रश्न खड़ा करना है कि आपकी राह क्या है। आज के इस युग में जहां मानव विभिन्न ग्रह नक्षत्रों में घूम रहा है, आप फ्लाइट से कितने समय की बचत कर लेते हैं। बैलगाड़ी से जब आप चलते थे तो 1000 किलोमीटर को तय करने में कई महीने लग जाते थे। आज हवाई जहाज के युग में 1 घंटा अधिक से अधिक 30 मिनट में भी पहुंचाने वाले हवाई जहाज हैं। आज के युग में आप कहेंगे कि नहीं, ये बेकार का काम है, पहले हमें बैलगाड़ी बनानी चाहिए, फिर कार बनानी चाहिए, फिर ट्रेन बनानी चाहिए, तब हवाई जहाज बनानी चाहिए। तो ये काम तो पहले हो चुका है। अब जब सब कुछ है, परमधाम की सागर श्रृंगार की वाणी उतर गई, परिक्रमा उतर गई, फिर आप भागवत के किस्सा कहानियों को सुनने सुनाने में लगते हैं, उसकी महिमा का गायन करते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कि हमने राज्य को नहीं समझा,
न उनकी ब्रह्मवाणी को समझाएं। आप ग्रंथों का उदाहरण दीजिए, ग्रंथों को समझकर सभी ग्रंथों से साक्षी रूप में उनको समझाइए। संसार वालों, अपनी भूल सुधारो, तुम्हारे ग्रंथों में परब्रह्म की यह पहचान लिखी है, लेकिन अपनी आत्मा के सुख के लिए सागर सिंगार खिलवत परिक्रमा ही नहीं, रात से लेकर क्यामत नामा की एक एक चौपाई में विचरण कीजिए। राज्य के नख से सिख तक की एक एक शोभा में विचरण कीजिए, फिर आपको लगेगा प्रेम किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं, शाश्वत शांति का मार्ग क्या है। हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा बना है वह मैं का पर्दा है। मैं करत मरत नहीं और कहावत है मुर्दा। सबसे बड़ी बात, खिलवत में एक बहुत ऊंची बात कही है, मैं को मारने का क्या फल मिलेगा आपको, जिसके लिए कई दिनों से चर्चा चल रही है। मैं को मारना सबसे कठिन है और सबसे सरल है। तत्व ज्ञान का प्रकाश हो, राज्य की कृपा हो, आपकी आंखों में विरह के आंसू हो, तो आपके लिए मैं को मरना बहुत सरल है। लेकिन केवल बुद्धि के बल से शुष्क हृदय लेकर आप कभी मैं को मार नहीं सकते, क्योंकि जहां सफलता आई आपके हृदय में विचारधारा आ जाएगी कि मैंने ये कार्य कर दिखाया। वाणी कहती है, इन मैं में डुबिया सब कोई, या को पार न पावे को, या को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीस हो। सबसे बड़ी कृपा है, मतलब बख्शीस होने का तात्पर्य सर्वोपर कृपा राज्य की उस सुंदर साथ के ऊपर होती है जिसने अपने तन की मैं, संसार की मैं, जीव की मैं को मार लिया होता है। यह सुख इना स्वरूप के, कह रहे हैं कि इस स्वरूप का यह सुख है। ओ मैं प्रसंग कह रहा था कि मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुद ही हटा दीजिए, आपके और धनी के बीच में मैं कपड़ता है। यह मैं से ही संसार है। संसार का प्रकटन किससे होता है, उपजे मोह अहंकार से सुत मोहे में समाये, अक्षर का मन मोह में प्रतिबिंबित होता है, तो एक को हम भवश्याम की भावना होती है, मैं हूं। आदि नयन की चेतना जब अंतकरण में प्रतिबिंबित होती है तो उसको जीव कहते हैं, उसके अंदर भी अहंकार। उपजे मोह अहंकार थे सुत मोहे में समाये, सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। तो संसार के प्राणी अपने धन का अहं, पद का अहं, सौंदर्य का अहं, विद्वता का अहं कैसे छोड़ सकते हैं। इसको कौन छोड़ेगा, जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी। वाणी कहती है, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा, उसमें और राज्य में कोई भेद नहीं रह जाता। महामती जी के धाम हृदय में जब राज्य विराजमान होते हैं तो उनको अपनी शोभा देते हैं, इसके पहले वे भी हमारे और आप जैसे मात्र एक मिहराज थे। देवचंद जी के अंदर जब तक राज्य विराज नहीं होते हैं, देवचंद जी भी एक बालक ही तो हैं, उनके अंदर भी श्यामा जी की आत्मा है, वो भी जगह जगह भटक रहे हैं, किसके लिए, अपने धाम धनी को पाने के लिए। आपको तो घर बैठे बैठे परम धाम का सारा ज्ञान राज्य ने उड़ेल दिया है, लेकिन यदि आप अपनी निस्बत की पहचान नहीं कर पाते हैं तो इस मंदभाग्यता का कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। धाम धनी ने यही बात हमें समझा रहे हैं। देवे यही खसम, कौन देता है, देवे यही खसम, अक्षरातीत का जो प्रेम है, जो अक्षरातीत का सुख है, वो कब हमें प्राप्त होगा, जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में प्राणेश्वर की शोभा अखंड बस जाए, और उसको बसाने में एक बाधक है मैं का पर्दा। कहीं भी प्रस्थ खड़ा हो जाता है मैं का, जब मैं का प्रस्थ खड़ा होता है तो जीव किसको देखेगा, मैं हूँ। पहले ऋषिजन के आश्रम में जब विद्यार्थी जाता था तो उससे क्या सेवा कराई जाती थी, कि जाओ घर घर जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। भिक्षा मांगना कितना कठिन है, जो स्वाभिमानी समाज होता है मरना तो पसंद करता है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करता। रहीम दासी ने क्या कहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे को मांगन चाहे, उनते पहले वे मुवे जिनमुख निकसत ना। यानी जिसने किसी के आगे हाथ फैला दिया कि यह चीज़ मुझे दे दो, तो उसने तो पहले ही अपने
अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया, वो मरे हुए के समान है। लेकिन जो मना करता है वो तो उसके पहले ही मर चुका है। इसका उद्देश्य क्या था? भिक्षा मंगवाना उद्देश्य नहीं था, पहले ही शिक्षा दे दी गई कि ज्ञानार्जन ग्रहण करना है तो आपको अपना अहंग छोड़ना पड़ेगा। आज का सन्यासी का निवास 5-स्टार होटलों की तरह विलासप्रिय होता है। आज का सन्यासी सारी सुख सुविधाओं से युक्त रहता है। प्राचीन काल का सन्यासी, चाहे गौतम बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, दयानंद हो, कोई भी हो, करतल भिक्षा तरतल वास। एक बार ऋषि दयानंद को 3 दिन भोजन नहीं मिला। एक किसान से उन्होंने कच्चे बैंगन मांगे और उसको खाया। आप सोचते हैं किसी स्थान का महंत या मठाधीश क्या 3 दिन भूखो रह सकता या कच्चे बैंगन खाकर गुजारा कर सकता है? संन्यास में कुछ मर्यादाएं हैं कि सन्यासी अर्थ का संग्रह अनावश्यक रूप से नहीं कर सकता। वो धन को अपना नहीं समझ सकता, कहीं ना कहीं पर्दा तो आता है कि यह मेरा धन है। उसी तरह से यदि आपको अपने धन का एहसास है कि मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे शिष्य, मेरा ज्ञान, तो यह एक माया का एक रूप बन जाता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि यह स्वप्नमय संसार है, स्वप्नमय संसार में मेरा कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, ये धरती, ये चांद, ये सूरज, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये यौवन, ये तन, कुछ रहने वाला नहीं है। जो रहने वाला है वह है केवल अक्षरातीत का प्रेम, मेरी अखंड आत्मा और मेरी आत्मा के धाम हृदय में जो अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा विराजमान है, वही हमारी अखंड संपदा है। इसलिए महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं श्री राज जी ने सागर ग्रंथ की इन चौपाइयों को कहा है ताकि हम सुंदर साथ वाणी के एक एक शब्द सागर में गोता लगाएं, अपनी आत्मा को उस आनंद रस से सींचे। ऐसा रस जो इस सृष्टि को कभी नहीं मिला था, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम पल पल उस आनंद के रस की फुहारें संसार को भी कुछ दें। पता नहीं बेचारे किस जीव पर उस फुहार का असर पड़ जाए और वो धन धन हो जाएगा कि ब्रह्म मुनियों के चरण कमल की कृपा से हमें भी अखंड सुख प्राप्त हो रहा है। आवश्यकता है हम सुंदर साथ का समूह संसार की उस पीड़ा को समझे कि आज संसार कितना भटक रहा है। कोई शालिग्राम की पूजा कर रहा है, कोई शिवलिंग की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ों और पौधों की पूजा कर रहा है, कोई पत्थरों पर सिर पटक रहा है, कोई कब्रों पर सिर पटक रहा है, पता ही नहीं परमात्मा कहाँ है। और हम अखंड ज्ञान को लेकर मंदिरों की चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हमने ये ज्ञान का रस न स्वयं पिया न संसार को पिलाया। तो प्रश्न है जब आप जागृत होकर परात्म में अपनी आंखें खोलेंगे तो राज्य से आप क्या कहेंगे? आपने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा को कितना फैलाया? आपने अपने दिल में धनी की शोभा को कितना बसाया? यदि हमारे अंदर यह कार्य करने का जुनून नहीं है तो प्रश्न खड़ा होता है आखिर क्यों नहीं है? कहीं न कहीं अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस हम पर हावी है और जब तक हम इन बंधनों को तोड़ नहीं लेंगे हम अपने जागने की सर्वोच्च लक्ष्य से भटकते रहेंगे। अब समय पूरा होता है, चुपते हैं। देवे यही खशामा देवे ये चतुराई हक की और हक का इलामा ये सुख इना स्वरूप के देवे यही खशामा देवे यही खशामा।